हम करते हैं विवाह कि वो रिकॉर्डिंग करें इन सिस्टम। ओके प्रभु जी, एक हाँ जी माता जी, एक प्रश्न पूछना था। कल के अनुसंधान में ही था कि अगर कृष्ण ने ये कथा सूर्य को सुनाई थी तो सूर्य के वक्त भी क्या अर्जुन उवाच या संजय उवाच या खाली भगवान उवाच, तो ये परंपरा कैसे हुई? हाँ बताएंगे हम उसको, वैसे कल बताया था क्लास में, फिर दोहराएंगे हम उसको। भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालं भंगं बंधयते गिरिं कृपातुम्हं वन्दे श्री गुरुदेवताम् परमानन्दमाहो। जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मुनि की जय। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का नाम है दिव्य ज्ञान, उसमें श्लोक संख्या 2 समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम समझेंगे कि भगवद गीता या कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान को हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं दूसरा श्लोक, और कृपया करके आप सभी लोग दोहराइए, अपना वीडियो ऑन करके रखिए, अपनी नोटबुक अपने साथ में रखिए और भगवद गीता हमेशा अपने साथ में रखिए। दोहराएंगे श्लोक को। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः सकाले नह महता योगो नष्टा परंतपः। एक बार श्लोक उच्चारण कीजिए। रेखा छिपा मत जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एवं परंपरा प्राप्ति मीमं राजेश्रो यो विदुः स काले ने महता योगो नष्ट है परं तप। बहुत सुंदर। तो बहुत ही अच्छे से भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को बता रहे हैं दिव्य ज्ञान के बारे में, जिसको प्राप्त करके सभी लोग इस काम रूपी दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर दूसरी बात कह रहे हैं, सेकेंड और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इस प्रकार, अनुवाद दोहराएंगे आप सभी लोग, कृपया करके अनुवाद दोहराइए। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो बहुत ही सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान ने कहा इमम, इमम कहा भगवान ने, भगवान ने क्या कहा? एवं, एवं। इमम पिछले श्लोक में कहा था, क्या कहा था भगवान ने? इमम विवस्वते योगम प्रोक्तावान हूं अव्ययम। तो ये जो भगवान कह रहे थे कि ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको मैं पहले भी कह चुका हूं। अब भगवान कह रहे एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो तुम्हें दिव्य ज्ञान दिया गया है, इसको हमें किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा से। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात समझेंगे आज के श्लोक में, जो आप अपने जीवन में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुरु बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।
गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है, बट गुरु को स्वीकार करना अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गुरु स्वीकार करना, गुरु की शरण जाना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से छोटा से छोटा कार्य भी, भौतिक कार्य भी एक किसी व्यक्ति से हम समझकर करते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, हमें इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, तो एक आध्यात्मिक गुरु की शरण जाना अत्यधिक आवश्यक है। और आज के श्लोक में यही बताया जा रहा है कि गुरु कौन होते हैं, कौन से गुरु को स्वीकार करना चाहिए। आप सभी लोगों में से लगभग बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई गुरु बना रखे होंगे। प्रभु जी मैं तो अपने गुरु जी के द्वारा बताया गया मंत्र जप करती हूँ, या मेरे तो परिवार के गुरु जी है, या मेरे समाज के, मेरे दादा दादी के, मेरे माता पिता के गुरु जी है, ऐसे करके हम किसी न किसी गुरु को स्वीकार कर बैठे हैं। हम अपना गुरु मंत्र करते रहते हैं, मैंने कौन सा माता जी आप कौन सा मंत्र बोलते हैं, वो तो गुरु जी ने मना बोला है, बताना नहीं किसी को। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों ने गुरु स्वीकार कर रखे हैं। आज हम मालूम कर पाएंगे कि गुरु कौन होते हैं और कौन से गुरु को स्वीकार करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कही गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, इस प्रकार यह परम विज्ञान, वही शब्द आ गया वापिस, कौन बताएगा जल्दी से बताइए, विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? विज्ञान शब्द का अर्थ, यस यस पूनम गर्ग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रैक्टिकल नॉलेज। यस प्रैक्टिकल नॉलेज, विज्ञान। तो यह परम विज्ञान, सुप्रीम साइंस, कौन सा प्रैक्टिकल नॉलेज है? ये सुप्रीम प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसको प्राप्त करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। कैसे मुक्त हो सकता है? कि सबसे पहले तो वो किसके ऊपर विजय प्राप्त करेगा? काम रूपी दुर्जय शत्रु के ऊपर। तो वो कभी पाप नहीं करेगा। फिर ऐसा ज्ञान बताएंगे भगवान जिससे कि वो आध्यात्मिक कार्य करना शुरू कर दे, भक्ति करना शुरू कर दे, अकर्म करना शुरू कर दे, तो वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस श्लोक में है, सबसे पहली वो ये है कि ये परम कौन सा है? विज्ञान। परम विज्ञान क्या होता है? ऐसा विज्ञान जो प्रमाणिक है और बहुत समय से चला आ रहा है, उसको क्या कहा जाता है? परम विज्ञान। कल हमने एक शब्द समझा था कल के श्लोक में, वो शब्द क्या था? इस अमर योग विद्या का उपदेश। अमर योग विद्या समझा था हमने, अमर मतलब इमॉर्टल, कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी समाप्त नहीं होने वाली, इस वाली योग विद्या को भगवान श्री कृष्ण ने कहा। किसको कहा था? सूर्य देव को, विवस्वान को। तो उस अमर योग विद्या को एक और नाम दिया जा रहा है यहाँ पर, वो क्या है, क्या नाम है? परम विज्ञान। परम विज्ञान, परम मीन्स सुप्रीम, उसके ऊपर कोई साइंस नहीं है। नहीं प्रभु, अभी जो है ना एक एटॉमिक साइंस चल रही है, उसमें भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन और उसके भी डिटेल के अंदर और भी कुछ साइंस चल रही है, ये वो दूसरी दूसरी, मार्स के ऊपर जाने की, मून के ऊपर जाने की जो है साइंस चल रही है। नहीं, जो भगवत गीता है उसके ऊपर कोई साइंस नहीं है। और कल हमने ये भी देख लिया था कि भगवत गीता सबसे पुराना ग्रंथ है, पुरानी, इसमें जो बातें बताई गई है वो सबसे पुरानी है। तो हमारे बीच में अभी भी प्रश्न आया था कथा के प्रारंभ में कि क्या जब सूर्य भगवान को सुनाई गई है भगवत गीता, तब भी ऐसे बोला गया था क्या? अर्जुन वाचा, संजय वाचा, धृतराष्ट्र वाचा? नहीं, जैसा कि हम कल भी समझाए थे आपको कि अर्जुन के लिए युद्ध करना, हमारे लिए क्या करना है, जिसको मालूम है वो तो बताइएगा मत, जिनको थोड़ा थोड़ा आइडिया वो बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए। अर्जुन के लिए युद्ध करने के लिए बोल रहे भगवान श्री कृष्ण, हमारे लिए या और किसी व्यक्ति के लिए वो क्या हो सकता है? हाथ खड़ा कीजिए सभी लोग, वीडियो ऑन करके बैठिए, आपसे निवेदन किया हुआ है मैंने बार 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 बार, हम तो दुनिया में किधर भी जाते हैं वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना, पीछे वो कंप्यूटर लगा हुआ, क्या लगा हुआ, इतनी सारी बुक्स पड़ी हुई है, बट आप लोग घर में ही बैठे हुए होते तो भी आपको मालूम नहीं क्या, पर्दा डाल के ऐसे बैठ जाते हैं, हम भी वीडियो ऑफ कर देते हैं।
हम तो शर्म नहीं कर रहे कि हम कहाँ बैठे कैसे बैठे, कथा करनी है सबसे इम्पोर्टेंट है। यस स्वीटी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे लिए युद्ध का अर्थ है अपना कर्तव्य करना, अपना कर्तव्य करना, अपना नियत कर्म करना। तो सूर्य भगवान को जब ज्ञान बताया गया था तो ज्ञान एजिटिव था कि शरीर आत्मा ये फर्क बताया, ये क्या नाम बुद्धि योग बताया, कर्म योग बताया, ज्ञान योग, सब कुछ सेम था। लेकिन आप ये मत समझिए कि एज इट इज गीता का फर्स्ट चैप्टर धृतराष्ट्र वाचा और पांच जन्म ऋषिकेश और देवदत्तम धनंजय कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, ये नहीं था उसमें। वो कौन सी परंपरा है? राज ऋषि परंपरा है। उसमें एक राजा अपने बेटे को ज्ञान देता, फिर वो अपने बेटे को ज्ञान देता, फिर वो अपने बेटे को ज्ञान देता, इस प्रकार से ये ज्ञान चलाता है। ठीक है, तो ये बात जो थी वो महत्वपूर्ण बात जो हमने समझी। अब हम एक बारह माता जी समझ में आ गया आशा, आपको आशा करता हूं। हाँ जी, थैंक यू। उस टाइम में तत्व जो ज्ञान का तत्व था वो सबके लिए सेम था। ठीक है, आगे हम लोग भी अब ये ज्ञान कर रहे हैं तो हमारे लिए भगवद गीता में ऐसे थोड़ा ना बोला गया है वंदना बारोट परम तप उत्तिष्ठा युद्ध करो, ऐसा नहीं बोला ना। हमारे लिए युद्ध करने का अर्थ है कर्तव्य करना, टॉलरेट करना। नहीं, ऐसा नहीं बोला, कर्तव्य करने को बोला, करना। अब हम पहला पॉइंट समझे हैं, सबसे पहला परम विज्ञान, ऐसा विज्ञान उसके ऊपर कोई विज्ञान नहीं है, उसको वो हर समय लागू होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें राज ऋषि, देखिए क्या शब्द उपयोग है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदुः। राज ऋषि कौन बताएगा राज ऋषि का अर्थ क्या होता है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। यस गीता तेजानी माता जी, जिसको आता है उत्तर हाथ खड़ा करना है, वीडियो ऑन करके बैठना है, बार बार हम यही कह रहे हैं। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, जो बरसों से परंपरा चली आ रही है उसको राज ऋषि परंपरा कहते हैं। ओनली राज ऋषि मुक्ता माता जी, वीडियो ऑन करके बैठे तो मालूम पड़ेगा कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है। अब नंबर आ गया आपका। अनम्यूट था, जो राजा है लेकिन उसमें ऋषियों के गुण है, वो बहुत ज्ञानी है। ओह वंडरफुल, तो जो ऐसा राजा जिसके अंदर ऋषियों के गुण है उसको क्या बोलते हैं? राज ऋषि। ठीक है, तो हरे कृष्ण वंदना माता जी। राज ऋषि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदुः, ये परम साइंस परम ज्ञान जो है किस प्रकार से आया है? गुरु शिष्य परंपरा में आया है। एवं परंपरा प्राप्तम, प्राप्त हुआ है किसमें? गुरु शिष्य परंपरा। इमम राज ऋषियो विदुः, और राज ऋषियों ने विदुः, विदुः का मतलब क्या है? इसको उसी तरह से जाना है, इसी तरह से समझा है। और फिर क्या बताया गया है? सकाले न महता, लेकिन क्या हो गया इस संसार में समय के साथ 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 क्या होता गया? ये महान योग विद्या, ये महान विज्ञान समय के साथ क्या हो गया? योगो नष्ट परंतप, समय के साथ ये क्या हो गया? नष्ट हो गया। आप सभी ने एक बात अगर सुनी होगी तो या वीडियो देखा होगा कभी, एक चाइनीज विस्पर होता है, नाम सुना आपने? चाइनीज विस्पर एक गेम होता है या इस तरह से सुना है किसी ने? चाइनीज विस्पर हम करके देखें, ट्राई करें, यहाँ पर ट्राई करना चाहिए कि वीडियो लगा दे उसका कुछ। ठीक है, हम ट्राई करते हैं। ठीक है, हाँ कैसे ट्राई करेंगे इसको, खुद बोल के बता देता हूँ क्योंकि समय की कमी है, क्योंकि यहाँ से फिर जगन्नाथपुरी धाम जाना है। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन खड़ी हुई है, एक लाइन पूरी, एक लाइन है, एक लाइन है, आगे एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पीछे 10-15 लोग खड़े हुए, तो सबसे पहले वाले आदमी को एक बात बोली गई। क्या बोली गई? यहां से जगन्नाथपुरी 60 किलोमीटर दूर है और एक घंटे में गाड़ी से पहुंच सकते हैं, उसको ये बात बोली। ठीक है, पहले वाले आदमी को, उसको कहा कि अब तुम उसको दूसरे वाले आदमी को बोलो, तो उसने दूसरे वाले आदमी को बोला यहां से जगन्नाथपुरी 1 घंटे की दूरी पर है गाड़ी से। फिर उसने तीसरे वाले आदमी को बोली,
उस तीसरे वाले आदमी ने, यहाँ से जगन्नाथ पुरी 1 घंटे की दूरी पर है बाइक से, यहाँ से जगन्नाथ पुरी 1 घंटे की, फिर आगे बात पहुंच गई, यहाँ से जगन्नाथ पुरी हम पैदल जा सकते हैं 1 घंटे में, यहाँ से जगन्नाथ पुरी जाने के लिए हमें 1 घंटा पहले चलना पड़ेगा। धीरे धीरे जब बात 15वें व्यक्ति पर आई थी ना, तो उसने क्या बोला मालूम है, लास्ट में जो 15वें व्यक्ति पर बात आई, उसने बोला अभी जगन्नाथ पुरी कोविड की वजह से बंद है, हमको नहीं जाना है। इसको क्या बोलते हैं, चाइनीज विस्पर। शुरू कुछ होता है, धीरे 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 मैसेज क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। कशिका जी, अगर कोई ऐसा वीडियो यूट्यूब पे हो तो उसका भी एक वीडियो अगर आप शो कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ज्ञान लॉस्ट हो जाता है। तो उसी तरह से ये भगवत गीता का ज्ञान भी सूर्य देव ने किसको दिया, विवस्वान को, विवस्वान ने किसको दिया, इक्ष्वाकु ने किसको दिया, कृष्ण को, राइट। प्रभु जी सब उल्टा बोल दिया, मनु जी ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, कृष्ण जी ने विवस्वान को दिया, विवस्वान जी ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को किसको दिया, विवस्वान को, सूर्यो के सूर्य देवता सूर्य विवस्वान को दिया। विवस्वान ने किसको दिया, मनुष्यों के पिता, मनुष्य अपने बेटे को मनु को, और मनु ने फिर अपने बेटे को इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। इस प्रकार से परंपरा आ रही, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञान आ रहा था, लेकिन समय के साथ क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। यस और नो, एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, मैं प्रमाणिक प्रूफ दूं आपको, जैसे कल भी प्रूफ क्या प्रूफ दिया था, एक परिवार में दादाजी जो है सुबह उठ के माला जप करते थे, पर अब पोते जी नहीं करते हैं, परंपरा क्या हो गई है, लॉस्ट। एक परिवार में कोई लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे, लेकिन धीरे 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 क्या हो गई है, परंपरा लॉस्ट। एक परिवार में जो है सभी लोग प्रतिदिन सुबह उठ के भगवान की आरती करते थे, उनको प्रणाम करते थे, बट अब क्या हो गया, परंपरा लॉस्ट, राइट। तो ये परंपरा लॉस्ट हो जाती है समय के साथ में, काल कर्म में परंपरा छिन्न हो गई है। तो भगवान ने यही बताया है, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। राज ऋषि ऐसे लोग जो राजा होते हुए ऋषि के गुण रखते थे, वो इसको इसी परंपरा से समझे थे, किंतु काल कर्म में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। क्या हो गया है, खो गया है, लुप्त हो गया है, गायब हो गया है यथारूप में, एज इट इज। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी दुकान पर जाते हैं, कुछ 15 साल पहले किसी दुकान पर गए थे, क्या रसोगुल्ला मिलता है इसका, इसके पिताजी जो बनाते थे ना, ऐसा स्वाद नहीं अभी है। परंपरा क्या हो गई, लास्ट हो गई। इसलिए समय में, एक समय में ये परंपरा लुप्त हो जाती है। अब हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाले हैं आज की सारी बातें। तो आज का हमारा टाइटल है पूरे के पूरे इस क्लास का, उसका नाम है GPS। हमें कभी भी, अभी हम जैसे भुवनेश्वर में आए हुए, तो हमें रास्ते मालूम नहीं है, फटाफट डाल रहे हैं उसमें, ये वाला भुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल, भुवनेश्वर ये वाला मंदिर, ये हमारे का सिलिकॉन कॉलेज, ये किट कॉलेज, और फिर हम डाल रहे हैं जहां पर जाना है नेक्स्ट, उत्सव स्टोर जनपद। तो फटाफट हम गूगल में GPS में डालते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे को लेफ्ट राइट स्ट्रेट लेफ्ट राइट 100 मीटर लेफ्ट वो करते हुए लेके चला जाता है वहां डेस्टिनेशन को। यस सर नो, उर्मिला लेके चला जाता है। सब लोगों ने GPS यूज किया है, यस सर नो जी। देयर इज ए GPS फॉर लाइफ, अपने मनुष्य जीवन के लिए भी GPS है, और वो क्या है मालूम है, अपने मनुष्य जीवन के लिए भी GPS है। अपने मनुष्य जीवन में अपने को लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ये डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेना है, किधर की तरफ आगे बढ़ना है, सीधे चलते रहना है, क्या करना है, इसका भी GPS है, और उसको बोलते हैं गुरु परंपरा। कुछ भी बोलो श्री कृष्ण भगवान, GPS बोल रहा हूं।
थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए ना, गुरु शिष्य, गुरु परंपरा सिस्टम। हमारा जीपीएस कौन सा है बोलिए? गुरु परंपरा, गुरु परंपरा सिस्टम, धीरे धीरे अगर इसको वो एक दूसरे को बोलते हुए आगे बढ़ाएंगे तो आगे धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, गूगल परंपरा सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा है ये? गुरु परंपरा सिस्टम। तो आज हम समझने जा रहे हैं गुरु परंपरा सिस्टम जीपीएस, और उसके माध्यम से जो है सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान को विवस्वान सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। इसी प्रकार से और भी परंपराएं हैं जिनके बारे में आज हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आप सबसे पहले कृपया करके तात्पर्य खोलिए, तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जय श्री प्रभुपाद। यहां स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा पर शासन करने में करते थे। कल हमने समझा था ना, याद है आप सभी को, राजाओं को यह ज्ञान दिया जाता था, क्षत्रियों को यह ज्ञान दिया जाता था, जिससे कि वो प्रजा पर शासन करें, और शासन करके क्या करें, कौन बताएगा? प्रजा की रक्षा कर सके, किस प्रकार से पाप कर्मों से रक्षा कर सके और सर्वभक्षी काम से रक्षा कर सके, इसलिए राजा को ये ज्ञान दिया जाता था, और राजा फिर इस ज्ञान को सबको देते थे। इस प्रकार से ये राजाओं को ज्ञान दिया जाता है, लीडर्स को, बड़े बड़े जो समाज में इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनको ये ज्ञान दिया जाता था। इसलिए कहा गया है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवद गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, आसुरी लोगों के लिए भगवद गीता नहीं है, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए कि भगवद गीता का उपयोग करके गलत काम करें। जैसे कि सिंपल सी बात कहें, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी दो व्यक्ति जानते हैं, एक व्यक्ति क्या करता है, लोगों को जो प्रॉब्लम आई है उससे छुटकारा दिलवाता है, और एक व्यक्ति क्या करता है, हैकिंग करता है, हैक करता है, दूसरों को कष्ट देता रहता है। तो बट यहां पर क्या बताया जा रहा है कि भगवद गीता किसके लिए है, राज ऋषि परंपरा वाले लोगों के लिए है, भक्तों के लिए है, असुरों के लिए नहीं है। असुरों के हाथ में अगर बंदूक लग गई तो वो क्या करेंगे, गलत उपयोग करेंगे उसका, जैसे कि असुर लोग आजकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भगवद गीता का उपयोग करके अपना बिजनेस बना रहे हैं, अपना रूम और भी कुछ बाकी चीजें कर रहे हैं, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं असुर लोग, भगवद गीता का उपयोग करके बिजनेस, भगवद गीता, डॉक्टर भगवद गीता, ये भगवद गीता, वो भगवद गीता, ऐसे करके असुरी लोग इस भगवद गीता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो भगवद गीता असुरों के लिए नहीं है। नेक्स्ट, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते, असुरी प्रवृत्ति के लोग क्या करते, अपने मन घड़ विवेचना करते भगवद गीता की, और किसी को भी इसका लाभ नहीं मिलता। उर्मिला मैं क्यों कर रहे बार 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 म्यूट, हाँ म्यूट रखिए, आपको आवाज सुनाई देगी, आवाज फिर भी सुनाई देगी आपको, थैंक यू। तो असुरी लोग क्या करेंगे, अपनी सनक के अनुसार भगवद गीता का उपयोग करेंगे। जैसे एक सिंपल सी बात कहूं आपको, आपने किसी को 10,000 रुपए दे दिए और उसको उसका उपयोग मालूम नहीं है तो वो क्या करेगा बताइए, दुरुपयोग करेगा, काम के लिए यूज करेंगे, गलत काम के लिए यूज करेगा, ड्रिंक करेगा, स्मोकिंग करेगा, कुछ और कुछ गलत काम करेगा, उसको उपयोग ही नहीं मालूम है। उसी प्रकार से असुरी प्रवृत्ति वाले लोग अपनी अपनी टीका देंगे, अपनी अपनी विवेचना करेंगे, और इस प्रकार से ये किसी के भले के लिए नहीं होगा। इसलिए भगवद गीता को राज ऋषि अच्छे भक्त लोगों के लिए बताया गया। नेक्स्ट, अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से
गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। जैसे ही मैसेज लॉस्ट हो गया, जैसे ही गलत लोगों के हाथ में पड़ गया ये भगवद गीता, तो क्या करना पड़ा, पुनर्स्थापित करना पड़ा, दोबारा से सही व्याख्या देनी पड़ी। तो अब यहां पर बताया जा रहा है परंपरा की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। कौन सी परंपरा टूट चुकी है? राज ऋषि परंपरा, याद रखिएगा, राज ऋषि परंपरा टूट चुकी है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार नहीं है, प्रमाणिक ज्ञान नहीं है। तो अब हम आप सभी से निवेदन करेंगे, कृपया करके आप इंट्रोडक्शन खोलिए और इंट्रोडक्शन में सेकंड पेज खोलिए, भूमिका, भूमिका में दूसरा पेज, भूमिका में दूसरा पेज। कशिका जी जितने तक वीडियो प्ले कर सकते हैं आप, मैं आपको को होस्ट बना देता हूं। कैसे मैसेज लॉस्ट होता है? यस, आप अभी को होस्ट हैं कशिका जी, सभी लोग अपना भूमिका खोल लीजिए। भूमिका में सेकंड पेज, हम वहां से कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, उससे पहले आप वीडियो देख लीजिए, आप वीडियो आपके स्क्रीन पे है। यस, प्ले कर दीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये दोस्तों के बीच झगड़ा कैसे होता है उसका पार्ट सेकंड है, और ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई इस टेंस बताते हैं हिंदी का, और वो सेकंड लड़के को मतलब बच्चे को वो बताता है, और कैसे एंड में जाने के बाद वो सेंटेंस चेंज हो जाता है, और इसी से दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है। मतलब हम बताते कुछ और जाकर के बताता है, कहानी बताता है, जिसके कारण दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास है हिंदी का कुछ सेंटेंस, ये आप लोग देख लेना। और अभी मैं फर्स्ट वाले लाइन में जो फर्स्ट स्थान पे खड़ा है उसको मैं ये बताऊंगा कान में, और उसको कहूंगा कि आप भी अगले को ट्रांसफर करो। तो चलो अभी चलते हैं, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड में शब्द क्या बनता है वो देखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। राहुल के स्कूल में प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ चमेली डांस कर रही थी, तभी अचानक से भूकंप आ गया और सभी लोग अपने घर चले गए। राहुल के स्कूल में डांस हो रहा था, वहाँ पर चमेली नाच रही थी, उसी टाइम भूकंप आ गया। राहुल की दुकान में हम आपका दुकान खोल रहे थे, तभी राहुल आ गया। राहुल के घर में एक झगड़ा हो गया और राहुल बेचैन हो गया। प्रभु आपका म्यूट है। प्रभु आगे का वीडियो मुझे थोड़ा लैंग्वेज उसमें ठीक नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। ओके ओके, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कैसे मैसेज लॉस्ट हो रहा है, तो ये मैसेज लॉस्ट हो जाता है। बहुत सारे इस तरह से वीडियोज हैं, उसमें मैसेज लॉस्ट होने की बात मिलती है हमें। तो हमने बोला था भूमिका में जो दूसरा पेज है उसमें खोलिए, उसमें आप देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। सबको मिल गया आपको भूमिका का दूसरा पेज? उसमें एक अमेरिकन लेडी बोलती है प्रभुपाद जी से कि मुझे भगवद गीता पढ़नी है, आप भगवद गीता सजेस्ट कीजिए। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं देखिए, वहां पर क्या लिखा हुआ कौन पढ़ के बताएगा? वंदना बारोट माता जी, तात्पर्य में उसमें से भूमिका में से पढ़ के बताइए। मैं नहीं देख पा रही हूँ। दूसरा पेज माता जी, सेकंड पेज पे है। मेरे यहाँ पे ये आपकी जो है गीता जी वो नहीं है, दूसरी गीता जी है मेरे पास में। उसी गीता जी से कैसे पढ़ेंगे माता जी, लिखा हुआ है भगवत गीता में कि गुरु परंपरा वाली नहीं, नहीं भगवत गीता ही है पर अलग वाली, ये वाली रखिए आप, इस्कॉन वाली ही रखिए, ये वाली नहीं पढ़नी है आपको। इसमें ओनली श्लोक और अनुवाद मिलेगा आपको,
इसलिए आज आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी गीता पढ़नी चाहिए। आज के श्लोक से भगवान यही बताना चाह रहे हैं। यस, कौन पढ़ेगा? खुशबू झा जी। खुशबू झा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ पर इस स्पेस में? गए नहीं आपको तो ठीक है, कोई बात नहीं। पूनम गर्ग माता। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। बता दीजिए कहाँ पर है? सेकंड पेज पे है प्रभु जी, और जो मंत्र है उसके बाद वाला ही वो है स्टेज़ा। एक हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद की संस्कृति चाहिए। निस्संदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता के यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। बस तो ये महत्वपूर्ण बात है प्रभुपाद। जिसे किसी अमेरिका में एक लेडी ने पूछा, स्वामी जी आई वांट टू रीड भगवद गीता, प्लीज गाइड मी, प्लीज सजेस्ट मी विच वन आई शुड रीड। तो भगवद गीता की आज पूरे विश्व में 1200 से अधिक टीकाएं हैं, 1200 से अधिक, और भी अधिक हो गई होगी। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इंग्लिश में बहुत सारे टीका हैं, मैं कौन सी सजेस्ट करूं, मुझे एक भी ऑथराइज और ऑथेंटिक नहीं लगती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने फिर ये प्रमाणिक टीका, उसका नाम है यथारूप एज इट इज, उसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये किसमें प्राप्त होती है? गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त। ये कैसे प्राप्त हुई है भगवद गीता, इसके बारे में हम समझेंगे। और आज भगवद गीता का ये श्लोक यही बताता है, GPS, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा सिस्टम, गुरु परंपरा सिस्टम। ये गुरु परंपरा सिस्टम के अंदर ही हमें ज्ञान को रिसीव करना है। क्या आपने कभी अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, अपने डिवाइसेस को अनऑथराइज जगह करवाना चाहेंगे? आप ठीक करवाना चाहेंगे, अनऑथराइज जगह से लेना चाहेंगे? क्या सोने चांदी की जो चीजें हैं वो गलत दुकान से लेना चाहेंगे? 5000 रुपए में 1 किलो सोना, 5000 रुपए में 1 किलो सोना ले लो, जिसको चाहिए ले लो, 5000 रुपए में 1 किलो सोना ले आओगे आप, वो 1 किलो पीतल भी नहीं होगा, राइट? इसलिए आप किसके पास जाओगे? एक प्रमाणिक गुरु के पास जाओगे, प्रमाणिक दुकान के पास जाओगे। हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाना है गुरु शिष्य परंपरा में। तो आप सभी से निवेदन है, कशिका जी आप गूगल में डालिए, तो मैं डालता हूँ, आप सभी को मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे। आज बहुत ही खुलासा कर रहे हैं पूरे जीवन का। आज आपको मालूम पड़ेगा कि भगवद गीता का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए, किस प्रकार से इस गीता के ज्ञान को हमें समझना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत की जा रही है। कृपया करके अपनी अपनी स्क्रीन पर देखें ध्यान से, मैं लिखवाऊंगा भी इस चीज को, और अभी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। देख पा रहे हैं आप? सबको दिख रहा है? प्रभु जी। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, आज आपको अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य मालूम होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, इसलिए ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को, इस अमर योग विद्या को, इस दिव्य ज्ञान को, इस दिव्य साइंस को, परम विज्ञान को सर्वप्रथम 4 लोगों को दिया था, 4 प्रमाणिक क्वालिफाइड लोगों को दिया था। और वो कौन कौन है? सबसे पहले हैं ब्रह्मा जी, उसके बाद लक्ष्मी जी, उसके बाद शिव जी, उसके बाद में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र चतुष्कुमार। देख पा रहे हैं आप सभी लोग? मैं थोड़ा इसका साइज बड़ा कर दिया, देखिए आप अपने स्क्रीन पर भी आप बड़ा कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम इसका ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया, शिव जी को दिया, और फिर किसको दिया? 4 कुमारों को दिया। अब आगे देखिए,
जो ब्रह्मा जी द्वारा परंपरा शुरू हुई उसको बोला जाता है ब्रह्म संप्रदाय, और उसके आचार्य हैं मध्वाचार्य। लिख लीजिए आप सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हल्के में मत लीजिए। गुरु को एरा गेरा नहीं होता कहीं से उठा के कुछ भी किसी को भी गुरु बना दिया। गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गुरु कोई फैशन नहीं है कि उसने गुरु बना दिया तो मैं भी गुरु बना दूं। नहीं, गुरु मतलब ज्ञान से भारी, ओनली आध्यात्मिकता की बात होती है और कुछ बात नहीं होती गुरु के द्वारा। तो ब्रह्मा जी द्वारा जो परंपरा आ रही है उसमें कौन है, मध्वाचार्य। लक्ष्मी जी द्वारा जो परंपरा आ रही है उसमें कौन है, रामानुजाचार्य। शिव जी द्वारा जो परंपरा आ रही है उनके आचार्य कौन है, विष्णु स्वामी। और ब्रह्मा जी के चार पुत्र, चार कुमार, सनक सनातन, सनंदन और सनत कुमार द्वारा जो परंपरा आ रही है उसके आचार्य कौन है, निम्बार्काचार्य। तो ये चार आचार्य हैं। दुनिया में इनमें से किसी भी एक परंपरा में आप अप्रोच करोगे तो आपको दिव्य ज्ञान मिल जाएगा, शुद्ध ज्ञान मिल जाएगा, और आप इसको प्राप्त कर सकते हो, इस परंपरा के माध्यम से कृष्णा को प्राप्त कर सकते हो, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो इस परंपरा के माध्यम से। आपको परंपरा फॉलो करनी ही होगी, अगर आप परंपरा फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बहुत, आपको परंपरा फॉलो करना अनिवार्य है। बिना परंपरा फॉलो किए आप सही रास्ते पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए परंपरा फॉलो करना अति 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 आवश्यक है। मैं आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है जो बात यहां पर कही जा रही है। चार प्रकार के प्रमाणिक संपत्ति हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा शुरू किया गया और लक्ष्मी जी के द्वारा शुरू हुआ, शिव जी के द्वारा शुरू हुआ और जो है चतुष कुमार द्वारा शुरू हुआ, उनके आचार्य हैं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य, लक्ष्मी जी द्वारा जो संप्रदाय हुआ उसके आचार्य हैं श्री संप्रदाय बोलते हैं इसको, इसको रामानुजाचार्य, विष्णु शिव जी के द्वारा जो शुरू हुआ उसके आचार्य विष्णु स्वामी, और चतुष कुमार द्वारा जो परंपरा आचार्य स्टार्ट हुआ उसको नाम है निम्बार्काचार्य, और निम्बार्क परंपरा आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गई ये बात जो बताई गई है, यहाँ पर नोट कर ली आपने तो मुझे परंपरा का नाम प्लीज थोड़ा रिपीट कीजिए ना, ब्रह्मा जी का परंपरा कौन सा है? ब्रह्मा जी परंपरा को बोलेंगे ब्रह्म संप्रदाय, सबके संप्रदाय नाम है ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से शुरू हुआ उसका नाम श्री संप्रदाय, ब्रह्मा जी से शुरू हुआ उसका नाम ब्रह्म संप्रदाय, शिव जी से शुरू हुआ उसका नाम रुद्र संप्रदाय, चार कुमारों से जो शुरू हुआ उस संप्रदाय का नाम है कुमार संप्रदाय। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आज जो क्लास नहीं आए ना वो इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं आप सोच भी नहीं पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मिस कर रहे हैं वो लोग आज। हरे कृष्ण प्रभु जी, लक्ष्मी जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय, साउथ इंडिया में आपने देखा होगा श्री संप्रदाय चलता है, श्री संप्रदाय सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है और वो है साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है, श्री रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, ये चार संप्रदाय हैं प्रमाणिक संप्रदाय। इन्हीं को अप्रोच करोगे तो कृष्ण आपको प्रमाणिक मिलेंगे। आप सूरत में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, आप पंजाब में रहते हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं, आपको गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज रस्ते दिखाए गए हैं। आपको बोला जाए कि अभी सूरत से मुंबई जाना है तो प्रमाणिक रोड है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ऑथराइज रोड है, इस रोड से जाओगे पक्का मुंबई पहुंचोगे। लेकिन आप क्या करते हो, किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया कि ये वाला रोड ले ले इससे जल्दी पहुंच जाएगा, आप घूमते 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 क्या मालूम कहां पर चले गए, 10 घंटे बाद पहुंचे या 20 घंटे बाद पहुंचे, इतना समय खराब करने के बाद, एनर्जी खराब करने के बाद आप पहुंचे और फिर पहुंचे। तो हमें किसको एक्सेप्ट करना है, प्रमाणिक परंपरा को। अब आप खोलिए अपने इंट्रोडक्शन, अपनी भूमिका का अंतिम पेज, चैप्टर फर्स्ट का एक पेज आगे, भूमिका का अंतिम पेज जो कल भी खुलवाया था हमने आपको। सभी लोग वीडियो ऑन करते हुए अपने इस मुख्य बात को, मुख्य जानकारी को, गुरु कौन होता है, कौन से गुरु को स्वीकार करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे प्राप्त करना चाहिए, आज भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, आप सभी को मिल गया गुरु शिष्य परंपरा, मिला कि नहीं?
चैप्टर वन से एक पेज पहले, चैप्टर वन पेज का जो शुभारंभ हो रहा है चैप्टर वन का, उससे एक पेज पहले भूमिका का अंतिम पेज। रेखा मल्होत्रा माता जी मिल गया आपको? कशिका जी डिस्प्ले कर लीजिए। वंदना बारोट माता जी आपके पास तो है ही नहीं भगवत गीता, आज आप इतने दिनों बाद बता रहे हैं कि आपके पास भगवत गीता नहीं है, प्रमाणिक भगवत गीता, ये तो कितने दुख की बात है। ये देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी डिस्प्ले की गई है, भगवान श्री। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम है, कृपया करके इंग्लिश है चलेगी, इंग्लिश गीता है मेरे, हिंदी रखो लेकिन ये वाली भगवत गीता रखो, ओरिजिनल वाली रखो, एज इट इज वाली रखो, इसमें ही आपको सही तत्व ज्ञान मिलेगा। नहीं पर इस्कॉन की इंग्लिश है वो बोल रही हूँ मैं आपको। जी माता जी वही कह रहे हैं हम, वो चलेगी ओके ठीक है, लेकिन पर आप ये वाली रखो इस्कॉन वाली जो ओरिजिनल एज इट इज वाली है। अब आपके मुंह में एक प्रश्न आना चाहिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, वो प्रश्न क्या है? प्रभु जी आप जो इस्कॉन संस्था वाले लोग हो वो कौन सी परंपरा में आते हो? आप इतनी ऑथराइजेशन की बात करते हो, आप इतनी प्रमाणिकता की बात करते हो, आप इतने अपने आप के अच्छे ज्ञान की बात करते हो, कौन सी परंपरा में आते हो? यहाँ ब्रह्मा जी की परंपरा है, लक्ष्मी जी की परंपरा है, शिव जी की परंपरा है, चतुर्थ कुमार की परंपरा है, कौन सी परंपरा में आते हो आप लोग? तो आपकी जानकारी के लिए हम सबसे पहली परंपरा में आते हैं हम सब लोग, वो है ब्रह्मा जी की परंपरा। पूनम गर्ग माता जी आपका माइक क्यों ऑन हो जाता है? मैंने अनम्यूट कर दिया अभी। तो हम कौन सी परंपरा में हैं? ब्रह्मा जी की परंपरा में। और इसलिए देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को किसको दिया? ब्रह्मा जी को। सभी लोग ध्यान से देखिए, अब मैं कुछ मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। सबसे पहले देखिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको? नारद मुनि को। अपनी अपनी भगवत गीता में भी देखिए तब आपको मालूम पड़ेगा कहां पर लिखा हुआ है ये। भगवत गीता तो साइड में रखी हुई है कहीं पर और आप बैठ गए मोबाइल लेके। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने मध्वाचार्य को, उन्होंने पद्मनाभ जी को, नरहरि, माध्वाचार्य, अक्षोभय, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र तीर्थ, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद, अद्वैत, चैतन्य महाप्रभु। 22 नंबर पर कौन आते हैं? स्वयं चैतन्य। 22 नंबर क्या है? धन्यवाद। तो 22 नंबर पर आते हैं चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य, जिसके बारे में पहले भी आपको चर्चा कराए, दर्शन करवाए, उसमें दिखाए वृंदावन के 6 गोस्वामी। उसके बाद में देखिए 25वें नंबर पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और लास्ट में कौन है? एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। सोचिए तो हम उस परंपरा में जुड़े हुए हैं जो ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय है। ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय में प्रभुपाद जी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनसे हमें ये ज्ञान मिल रहा है, ये ऑथराइज्ड परंपरा है। गुरु कौन होने चाहिए? इन 4 परंपराओं में से कोई गुरु होने चाहिए। तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आप उस परंपरा से जुड़े हुए हैं जिसमें कौन आते हैं? भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, वेदव्यास जी, नारद मुनि वेदव्यास जी और चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी। आपकी किताब में पिक्चर्स है, फोटोज है, फोटोज में देखिए शुरुआत में ही सबसे पहले फोटो प्रभुपाद जी, उनके बाद उनके गुरु जी की, उनके बाद उनके गुरु जी की, उनके बाद उनके गुरु जी, उनके बाद उनके गुरु जी, सबकी फोटो दी गई। ये गुरु शिष्य परंपरा है।
गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना है। भगवत गीता ऐसे ही कोई भी भगवत गीता उठा के नहीं पढ़नी है, प्रमाणिक भगवत गीता पढ़नी है। आज आप सबको मैं आशा करता हूं आपके दिमाग में जो पूरा कचरा भरा हुआ था, जो गंदगी भरी हुई थी, गुरु कौन होते हैं, गुरु कोई भी होते हैं, गुरु किसी को भी बना लो, सब गुरु एक जैसे हैं, सब एक ही बात बताते हैं, आज आपको क्लियर हो गया होगा कि गुरु प्रमाणिक गुरु होने चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा में आने चाहिए। प्रभु जी हमारे तो कोई समाज के गुरु जी है, हमारे देश के गुरु जी है, हमारे कुछ राज्य के गुरु जी है, नहीं, गुरु शिष्य परंपरा में ही आने चाहिए, तभी जाके वो प्रमाणिक गुरु करने वाले होने चाहिए, उनको प्रमाणिक गुरु कहा गया है। राइट, इस बात को आपको अच्छे से समझना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैं आशा करता हूं आप सभी ने लिख लिया है और आपके क्विज में आएगा कि चार परंपराएं कौन सी है, गुरु शिष्य परंपराएं, और उनके आचार्य कौन कौन से हैं। चार परंपराएं हैं, ब्रह्म परंपरा, श्री परंपरा, रुद्र परंपरा, कुमार परंपरा। इनके आचार्य हैं ब्रह्म परंपरा के आचार्य मध्वाचार्य, श्री परंपरा के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, रुद्र परंपरा के आचार्य हैं विष्णु स्वामी, कुमार परंपरा के आचार्य हैं निंबार्काचार्य। ये चार परंपरा हैं और इन परंपरा के अंतर्गत ही हमें ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो विष्णु स्वामी गोलभाकार्य भी बोलते हैं? नहीं, रुद्र संप्रदाय नहीं, वल्लभाचार्य जी हमारी ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु के साथ में वो सेपरेट संप्रदाय था, जो कि आप हमारे श्रीनाथ जी जो हैं वो इसी ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय के ही साइड पोर्शन वल्लभाचार्य जी ने शुरू किया था चैतन्य महाप्रभु के साथ में। तो ये परंपरा है, प्रमाणिक परंपरा है। इनको अगर आपने अप्रोच नहीं किया तो क्या होगा, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। इसलिए चार प्रमाणिक परंपरा है, इनको ही आपको अप्रोच करना है। तात्पर्य पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में प्रश्न उत्तर और चैंटिंग करेंगे। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं। कौन से विद्वान है ये? संसारी विद्वान, रिपीट कर रहा हूं, कौन से विद्वान है? संसारी विद्वान है ये, आध्यात्मिक विद्वान नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में आने विद्वान नहीं है, संसारी विद्वान है, अनेक टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये कौन है? संसारी विद्वान है, कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। समझ में आ गया आपको, कृष्ण के नाम पर व्यापार। कल भी हमने बोला था कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, कृष्ण कहते हैं वैसे कहते हैं, कृष्ण के नाम पे अपने वीडियो चला रहे, कृष्ण के नाम पे अपने व्यूज बढ़ा रहे, कृष्ण के नाम पे अपने लाइक्स चला रहे, कृष्ण के नाम पे अपना नाम बढ़ा रहे। इसको क्या बोला गया है? कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। आगे क्या बात कही गई है? यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुर गुण ईश्वर में, असुर गण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। प्रभुपाद जी ने भगवद्गीता को सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में लिखा था बताइए? रूपल पटेल जी, रूपल पटेल जी, हरे कृष्ण प्रभु, हाँ जी, हरे कृष्णा, कौन बताएगा? संस्कृत में प्रभु जी, प्रभु जी मैं बोलू, बोलिए, मैं बोलू प्रभु जी, एक जना कोई बोलिए, इंग्लिश में प्रभु जी,
तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इंग्लिश में, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा क्योंकि प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे फर्स्ट टाइम, और लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुझे एक भी प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलता है, एक भी ऑथराइज्ड जो है नॉलेज देने वाली भगवद गीता नहीं मिलती है। इसलिए ये वाली जो आप पढ़ रहे हो, ये वाली जो गीता आप पढ़ रहे हो, ये एक महान वरदान है हम सब लोगों के लिए, और इसमें ओरिजिनल एज इट इज परंपरा के अंदर जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः स काले न महता योगो नष्ट परंतप। समझ में आ रहा है? अब जल्दी से लास्ट चीज लिख लीजिए, गुरु के 6-7 क्वालिफिकेशन लिखिए, गुरु कौन होना चाहिए लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। सबसे पहला गुरु स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए। सबसे पहले तो गुरु की परिभाषा लिख दीजिए। सबसे पहले गुरु की परिभाषा, गु मतलब अंधकार, रु मतलब दूर ले जाने वाला, तो जो गु नामक अंधकार से रु नामक प्रकाश की तरफ लेके जाता है, अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं, उनको गुरु कहते हैं। पहला डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर टू, गुरु का अर्थ होता है ज्ञान से भारी, आध्यात्मिक ज्ञान से भारी, हैवी विथ स्पिरिचुअल नॉलेज, ये दूसरा अर्थ हो गया। पहली डेफिनेशन क्या हो गई? गुरु, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाते हैं उनको गुरु कहते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या हो गया? गुरु, गुरु मतलब ज्ञान से भारी। ठीक है, तीसरा, अब गुरु के बारे में जो गुण होने चाहिए वो लिख लीजिए, 6 वेदों पर नियंत्रण होना चाहिए, 6 वेदों पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, शास्त्र अध्ययन किया हुआ होना चाहिए, तीसरा गुरु शिष्य परंपरा में होने चाहिए, चौथा पिछले गुरु द्वारा, अपने गुरु द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, छठा हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे होने चाहिए, सातवां वो एक खुली किताब के समान होने चाहिए, आठवां वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर होने चाहिए, क्या बोले प्रभु जी, पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर होने चाहिए, और सबसे लास्ट में और भी बहुत सारे गुण हैं लेकिन एक और इम्पोर्टेंट गुण है कि वो
दयालु होने चाहिए, कृपालु होने चाहिए, जिससे कि वो सब लोगों को, पतित जीवों को प्रचार कर सके, भगवान का ज्ञान दे सके। ठीक है, पॉइंट हो गए। गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, अपने पूर्व गुरु से प्रमाणित होने चाहिए, ओनली कृष्ण के बारे में बोलने चाहिए, कृष्ण के बारे में उपदेश देने चाहिए, पूर्ण रूप से कृष्ण से समर्पित होने। मेथी मेथी मेरे बेटा लाला मेथी में कहा, क्या हो रहा है यार, इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई जा रही है और कुछ बातें बोल रहे बीच में। बढ़िया हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये छह वेगों पे जिनका नियंत्रण हो वो जरा एक बार समझाइए ना। छह वेग मतलब वाणी का वेग, जीवा का वेग, स्वाद लेने का। ओके, वाणी का वेग, जीवा का वेग, क्रोध का वेग, पेट का वेग और जननेन्द्रिय का वेग और एक लास्ट वाला मन का वेग, मनसा वेगम। ठीक है, ये छह वेगों पर नियंत्रण होना चाहिए। मनसा वेगम, वाचो वेगम, मनसह क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मा पृथ्वीं स शिष्या। ठीक है, और हम इसको आज समझे हैं प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में गुरु होने चाहिए। अब हम सभी लोग मिलकर महामंत्र का जप करेंगे। तो आज चैंटिंग कौन करवाएंगे, चैंटिंग कौन करवाएगा आज? प्रभु जी मैं करूं आज। किसी का जन्मदिन, किसी का एनिवर्सरी तो कुछ नहीं है, तो ये गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त गुरु से ही हमें शिक्षा लेनी चाहिए, उन्हीं की भगवद गीता पढ़नी चाहिए, उनके द्वारा उपदेश ग्रहण करने चाहिए और हमें बिल्कुल भी दूसरी बातों पर नहीं जाना चाहिए। तो कृपया करके शुरू करते हैं और आज चैंटिंग करेंगे। पूनम गर्ग माता जी, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट। यस, भगवद्गीता आसुरी मनुष्य माटे नथी, भगवद्गीता आसुरी लोगों के लिए नहीं है, तो आसुरी लोगों को इतना अच्छा ज्ञान नहीं देना चाहिए। आसुरी लोगों को अगर हम एटम बॉम्ब देंगे या कुछ देंगे तो वो क्या करेंगे, अच्छे लोगों का भी नाश कर देंगे। उसी तरह से भगवद्गीता का दिव्य ज्ञान आसुरी लोगों के लिए नहीं है, भक्त के लिए है। तो हमें भक्त लोगों तक पहुंचाना है, अच्छे लोगों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट प्रभु जी, भगवत गीता का ज्ञान प्रैक्टिकल है, डे टू डे लाइफ में हमको अप्लाई करना चाहिए, जिससे हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो और हम अच्छा घर बना सकते। तो बहुत ही प्रैक्टिकल ये प्रमाणिक और परम विज्ञान है, इसके लिए हमें अपने प्रतिदिन जीवन में उसको उतारना चाहिए, अपनी नींव को मजबूत करना चाहिए। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट लिखा कीजिए, प्रैक्टिकल पॉइंट आप सब लोग लिखा कीजिए। एक कॉपी भर जाएगी, दो कॉपी भर जाएगी, नोटबुक भर जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए, आप लिखा कीजिए। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें पूर्व आचार्य के पद चिन्ह पर चलते हुए गुरु परंपरा से शिक्षा लेना चाहिए भगवद गीता का ज्ञान। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, भगवद गीता का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में हमें प्राप्त करना चाहिए। जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा में होने चाहिए, किसी भी अप्रमाणिक गुरु से हमें ये भक्ति को हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हम जो गुरु भगवत गीता का ज्ञान जो लेते हैं वो गुरु परंपरा से गुरु जी होना चाहिए, जो उससे हमें सही ज्ञान मिले और सही रास्ता। यस, भगवद गीता का ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए गुरु से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे घर के गुरु जी ये हैं, जैसे होता है ना एक फैमिली डॉक्टर, ये हमारे फैमिली के डॉक्टर है, हम तो इनके पास ही जाएंगे।
ऐसा नहीं है गुरुजी हो गए, ये हमारे फैमिली गुरुजी है, नहीं, जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं उन्हीं गुरु से प्राप्त करना चाहिए। और हम सबका सौभाग्य है कि हम आज श्रील प्रभुपाद जी से इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय में आते हैं। लीना पटेल माता जी बताएंगे श्रील प्रभुपाद जी कौन से संप्रदाय में आते हैं। लीना पटेल माता जी, श्रील प्रभुपाद जी कौन से संप्रदाय में आते हैं? माइक अनम्यूट करके बोलिए। लीना पटेल माता जी ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय। क्योंकि ब्रह्मा जी भी आ गए इसमें, चैतन्य महाप्रभु भी आ गए, मध्वाचार्य भी आ गए, तो इसलिए इसको बोला जाता है ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। नेक्स्ट कोई प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु बनानी चाहिए। तो हमें आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन का अगर उद्देश्य प्राप्त करना है, बना है, बिना गुरु के हम भगवत धाम नहीं जा सकते, इसलिए गुरु स्वीकार करना अत्यंत आवश्यकता है। एक जैसे अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं, ओला गाड़ी में जा रहे हैं अभी, तो गाड़ी सीखने के लिए भी, कार चलाना सीखने के लिए भी, एक ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए भी, गाड़ी सीखने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो क्या भगवत धाम जाने के लिए हमें आवश्यकता नहीं होगी? अभी हमने GPS लगा रखा है मान लीजिए, तो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए गूगल का GPS की जरूरत है। तो क्या हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु परंपरा सिस्टम GPS की आवश्यकता नहीं है? हमें GPS को फॉलो करना है। और व्हाट इज GPS? गुरु परंपरा सिस्टम, राइट? सो यू कैन अचीव कृष्णा विद दिस गुरु परंपरा सिस्टम। और कोई नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट? अप्रमाणिक गुरु से शिक्षा नहीं लेनी है। अप्रमाणिक, यस बोलिए। श्री कृष्ण को नहीं स्वीकार कर दी, भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करने वाले, भगवान के नाम पर व्यापार करने वाले असुरी लोगों से बचना चाहिए, उनसे। यस, भगवान कृष्ण के नाम पे व्यापार करने वाले, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कुछ ना कुछ, कोई भी कृष्ण के नाम पर कुछ भी कर लेते हैं लोग, उनसे बचना चाहिए। ऐसे असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से बचना चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस, तो भी आपको लगेगा ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो शायद हमारे शास्त्रों के अनुसार नहीं, तो आप समझ जाओगे कुछ गड़बड़ है वहां पर। जो ये इस्कॉन में ज्ञान दिया जा रहा है वो गुरु शिष्य परंपरा के अंदर है। इस्कॉन कोई नया कल्ट नहीं है, नया इज्म नहीं है, वही है जो अपने पिताजी दादाजी और उनके दादाजी जो फॉलो करते थे, वही ये संप्रदाय है, वही ये संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें ये चार संप्रदाय में से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जैसे ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। यस, तो हमें चार संप्रदाय में ही अप्रोच करना चाहिए और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट, हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत गीता यथारूप हमारे लिए महान वरदान है, तो हमें उसको ही पढ़ना चाहिए। वंडरफुल हरिबो, तो भगवत गीता यथारूप हमारे लिए महान वरदान है। घर बैठे आपको जो है गुरु शिष्य परंपरा मिल गई, घर बैठे आपको प्रमाणिक गुरु मिल गए, तो आपके ऊपर कितना बड़ा वरदान है सोचिए। इस वरदान का हमें जीवन में उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। आपको ढूंढना पड़ा क्या प्रमाणिक गुरु? आपको कहीं जाना पड़ा ढूंढने के लिए? चार संप्रदाय कौन से है, उसमें प्रमाणिक गुरु कौन से है, उसको पकड़ना जरूरत पड़ा आपको? आपको घर बैठे कृपा हुई है कि आपको प्रमाणिक गुरु की शरण मिली है और उनके द्वारा बताई गई ये भगवत गीता मिली है यथारूप, उनको समझिए। बहुत भाग्यशाली है हम सब लोग ये गीता की चर्चा कर पाते हैं। कितने लोग हैं जो गीता की चर्चा कर पा रहे? हमारे ग्रुप में आने वाले लोग देखो, आज 100 लोग थे, 102 लोग, 105 लोग, कभी आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाते, कभी कुछ है। बहुत रेयर है ये भगवत गीता, ये ज्ञान, ज्ञान मिलना, ये संस्कृति, हरे कृष्ण जब बहुत फॉर्चुनेट लोगों को मिलता है, इसलिए इसका सदुपयोग करना। नेक्स्ट, और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? यस प्रभु जी, गुरु बनाने से पहले हमें गुरु की प्रमाणिकता को जांचना चाहिए, गुरु प्रमाणिक संप्रदाय से आने हैं या नहीं, या गुरु निश्चय शुद्ध भक्त हैं या नहीं।
या गुरु अपने शिष्य को भगवान धाम ले जाने के तक के समर्थक सामर्थ्य है नहीं, गुरु अपने आसन से हमें क्या शिक्षा सिखाते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं या नहीं, और प्रमाणिक गुरु भगवान के विषय में ही बातें करते हैं, अनाथ सुना बातें नहीं करते हैं, गुरु कभी भगवान होने का दावा नहीं करते हैं। कभी कभी लोग गुरु के पास जाते, गुरु को बोलते हैं गुरु जी पिछले 7 साल से मेरा पेट दुख रहा है, कुछ दवाई दे दीजिए। अरे गुरु जी भगवत गीता का ज्ञान देते, गुरु जी शास्त्र का ज्ञान देते, गुरु ये थोड़ी ना ज्ञान देते शरीर में क्या हो रहा है, शरीर में क्या तकलीफ हो रही है, गुरु जी हमारे बच्चे नहीं हो रहे, गुरु जी हमारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, गुरु जी उसके लिए क्या, गुरु जी हमें भगवत धाम ले जाने के लिए, आध्यात्मिकता प्रदान करने के। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट्स हो गए हो, और एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा एक प्रैक्टिकल पॉइंट मेरी तरफ से, परम कृपा हुई है, परम दया हुई है कि हमें घर बैठे श्री प्रभुपाद जी एक प्रमाणिक गुरु मिले हैं, पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि वो इस गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, अब उनके चरण नहीं छोड़ने हैं, अब उनके आदेशों को पालन करना नहीं भूलना है, अब हमें उनके बताए गए मार्ग पर चलना है, ये हमारा एक सबसे बड़ा आज का प्रैक्टिकल पॉइंट है, अब हमें गलती नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, एक मिनट है माता जी, एक मिनट। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी प्रमाणित कौन करते हैं? प्रभु जी प्रमाणित उनके पूर्व गुरु करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को प्रमाणित किया, नारद मुनि ने व्यास वेद व्यास जी को प्रमाणित किया, तो इस प्रकार से पूर्व गुरु प्रमाणित करते हैं। हाँ, गुरुओं के द्वारा प्रमाणित। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। वो इसको हमें दीक्षा कैसे मिलती है? दीक्षा लेने के लिए क्या करना होता है? मेरे प्रभुपाद जी से पहले 16 माला जप करना पड़ता है, उसके बाद में जो गुरु शिष्य परंपरा में जो बताई गई बातें उनका पालन करना पड़ता है, और 4 नियमों का पालन करना पड़ता है, फिर आपको देखा जाता है कि आप क्या पालन कर रहे हैं उसका, तब आपको जो है दीक्षा देते हैं। यदि कोई पालन कर रहा है तो वो दीक्षा ले सकता है? हाँ, ले सकता है, प्रॉपर सिस्टम है। श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय होता है, पहले 2 माला का, फिर 4 माला का, फिर 6 माला का, फिर 8 माला का, फिर 10 माला का, इस प्रकार से उस आश्रय के अंदर आप जो है उसको पालन कर सकते। ठीक है, हमारे आश्रय प्रोग्राम होते रहते हैं, उसको आप अटेंड करते रहिए। ये कैसे पता चलेगा आश्रय प्रोग्राम कब हो रहे हैं? कैसे पता चलेगा? जब भक्तों से संपर्क में रहोगे तो मालूम पड़ेगा, अपनी ही दुनिया में रहोगे तो नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण, मुझे एक चीज चाहिए बताइए। कि जैसे किसी ने गुरु दीक्षा ले ली तो वो प्रमाणिक हो जाएगा, वो किसी आगे किसी को अगर दीक्षा देता है तो प्रमाणिक गुरु हो जाएगा वो गुरु, आगे जो शिष्य बना है वो? हाँ जी। नहीं, शिष्य कैसे प्रमाणिक गुरु हो जाएगा? गुरु बनने के लिए प्रमाणित किया जाता है उनको। आगे गुरु बहुत हैवी पोजिशन होती है, गुरु सारे अपने शिष्यों के कर्मों को ले लेते हैं, हर कोई गुरु नहीं बन सकता। हम लोग गुरु थोड़ी ना हो गए, हरिनाम दास गुरु जी हो गए, आओ दीक्षा देंगे, सभी लोग दीक्षा लीजिए हरिनाम दास जी से। नहीं, प्रभुपाद जी गुरु जी है, हम लोग नहीं है क्वालिफाइड वो सब ज्ञान, वो सब कर्मों को लेने के लिए। ठीक है, अभी थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न? भुवनेश्वर के जयदेव चौराहे पे खड़े हो गए, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। बताइए प्रभु जी, ये प्रभुपाद जी ने किसी को प्रमाणित किया है क्या? प्रभुपाद जी ने किसी को प्रमाणित नहीं किया है कि आगे आप इस ज्ञान को देना है ऐसा करके। तो परंपरा खत्म हो गई इनके बाद? नहीं, प्रभुपाद जी गुरु है अभी। प्रभुपाद जी ने कल वीडियो दिखाया था, आपने देखा नहीं था? प्रभुपाद जी बोलते थे आई विल नेवर डाई, आई विल बी ऑलवेज देयर। सो ज्ञान तो आप प्रभुपाद जी के शिष्य से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दीक्षा जो है आप प्रभुपाद जी से लेना है। कोई क्वालिफाइड नहीं है जो हमारे को बैक टू गॉडेड लेके जाए अदर देन प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के अलावा कोई क्वालिफाइड नहीं हमारे को भगवत धाम ले जाने के लिए, ओनली प्रभुपाद जी क्वालिफाइड है। और ये कलयुग का जो प्रभाव है जिसमें कहते हैं कि चैंटिंग ही देना, हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? चैंटिंग हमें गुरु शिष्य परंपरा से लेना है, मंत्र नहीं। मंत्र तो ये चैंटिंग हम कर रहे हैं ना महामंत्र की। हाँ,
अब दीक्षा लेनी है इसकी, अब इसकी चैंटिंग की दीक्षा लेनी है गुरु शिष्य परंपरा से, इसको गुरु के द्वारा वो लेना है अभी हमें इस मंत्र को। चैंटिंग कर रहे हैं इसका भी पूरा प्रभाव हो रहा है। अब आपको आगे गुरु जी से पूरी तरह से कमिटमेंट करना है आपको कि गुरु जी मैं इस 16 माला का जप करूंगा और आपके द्वारा दिए गए नियमों का पालन करूंगा, आप मुझे इस आध्यात्मिक जीवन में। स्वामी जी, प्रभु जी आपका माइक म्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी आपका माइक म्यूट है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। हेलो हेलो हेलो, आप पूछिए। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। यस पूछिए। ये जो है ये आदि गुरु शंकराचार्य जो है वो तो शैव परंपरा के हैं। ये कौन से परंपरा के हैं? शैव वाले गुरु हैं। उससे पहले हाँ। वही थे आदि शंकराचार्य थे। हाँ, जिन्होंने के चारों मठ बनवाए हैं, वो भी मठ उन्हीं का बनवाया हुआ है। जगन्नाथपुरी मठ नहीं बनवाए, मठ में नहीं जा रहे हम। मंदिर मतलब मंदिर जो है ना, ये उन्हीं का तो है। ये उनका नहीं है मत जी, उन्होंने चार धाम में बताए गए थे कि चार धाम में जाके प्रचार करो, चार दिशाओं में। हाँ। चार शिष्यों को भेजा था। हाँ, उनके चार शिष्य हैं ये। तो शंकराचार्य के आने से पहले मंदिर है, मंदिर अभी का नहीं है। हाँ। ये गलती मत कर देना कि शंकराचार्य ने मंदिर स्थापित किया है। अच्छा, ब्रह्मा जी के द्वारा, ये ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित मंदिर है, स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा। अच्छा। हाँ, चार मठों की स्थापना की है, जिसमें से एक मठ है पूरी मठ। तो ये जो है शंकराचार्य जो है, इन चार परंपराओं में नहीं आते हैं, वो एक ऐसी परंपरा में आते हैं जो भगवान शिव जी के अवतार है शंकराचार्य, और वो लोगों को दोबारा से शास्त्र स्थापना करने के लिए आए थे वो। तो उत्तराखंड में तो बहुत प्रचार है ना इनका, सब जगह है, पूरे भारत में ज्यादातर उनका ही प्रचार है। अद्वैतवाद बोलते हैं। हाँ, समाधि है केदारनाथ में, समाधि है। अद्वैतवाद कहते हैं उनके सिद्धांत को, और जिनको वैष्णव लोग स्वीकार नहीं करते हैं। वैष्णव परंपरा में उनके सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत कहा गया है वो क्या सिद्धांत है? कि भगवान भी निराकार हैं, हम भी निराकार हैं, और एक दिन हम भगवान में मिल जाएंगे। भगवान में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। पर शंकराचार्य खुद ने जो है अंत में ये बोला था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, ये मूर्ख गोविंद को भज। लोग समझते हैं शंकराचार्य बोलते शिव जी को भज, नहीं, शंकराचार्य ने बोला गोविंद को भजना है। उन्होंने इतने सारे अष्टकम दिए हैं। और विष्णु, और भगवान विष्णु की प्रतिमा निकाली अलग नंदा नदी से। यस, तो बहुत सारी ऐसी प्रमाणिक चीजें हैं। तो हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है। ये जो आजकल शंकराचार्य के जितने भी शिष्य हैं वो बिल्कुल भी प्रमाणिक परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं आजकल। वो पूरा अद्वैतवाद में है। सरस्वती हो गए, भारती हो गए, ये सब मायावाद परंपरा है, जो कि आपको काशी में मिलेंगे और इधर हरिद्वार में मिलेंगे। ये सब मायावादी परंपरा के गुरुजी हैं, जो सबको ये बोलते हैं नमो नारायण, तुम भी नारायण मैं भी नारायण, एक दिन तुम नारायण बन जाओगे मैं भी नारायण बन जाऊंगा, अभी हम माया में है इसलिए नारायण नहीं है, एक दिन आएगा जब हम भी नारायण बन जाएंगे। ये सब वैष्णव संप्रदाय में जो भगवान कृष्ण द्वारा स्थापित संप्रदाय है उसमें ये सब स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए प्रभुपाद जी भगवद गीता में बार बार जगह जगह ऐसा बोलते रहते हैं कि मायावाद 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 मसस्तास्त्रम, मायावाद जो है वैष्णव भक्तों के लिए नहीं है। इसलिए शंकराचार्य की जो बाकी शिक्षा है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, और जो इस भगवद गीता और भागवत के ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में ही स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। और कोई? चलो हम दिखा देते हम कहाँ खड़े हैं, तो आपको लगेगा कि प्रभु जी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रभु जी शांति की रास करोगे ना?
शाम की क्लास नहीं है माता जी, अभी छुट्टी है शाम की क्लास की, बड़े लोगों की छुट्टी कर रखी है, छोटी क्लास चालू रखी है। मुझे ज्यादा रेस्ट हो गया, ज्यादा रेस्ट हो गया, मेरा क्या होगा बताइए। मैं क्या करूँ, आप सभी लोग बड़े बड़े लोगों से मिला दीजिए, जल्दी मंदिर बनवा दीजिए, तो मैं क्लास ही क्लास लिया करूंगा फिर। आप लोगों के पास इतने बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है, सबको बोलिए अच्छी अच्छी सेवा कीजिए, मंदिर जल्दी बनवा दीजिए, फिर मुझे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु जी भुवनेश्वर में कोणार्क मंदिर भी जाएंगे क्या? नहीं, कोणार्क मंदिर नहीं जाएंगे, मतलब वैष्णव मंदिर नहीं है वो। लेकिन पुरी में तो आप प्रसाद खाएंगे? पुरी में प्रसाद क्यों नहीं खाएंगे, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद में बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बनता है। महाप्रसाद है, आज 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 अनंत वासुदेव जी का प्रसाद पाया वहाँ पर भुवनेश्वर में। और कुछ बताइए, कोई प्रश्न है? गुरु शिष्य परंपरा, प्रमाणिक गुरु, अभी भी कंफ्यूजन है तो दूर कर लीजिए अपना, बार बार गीता का ये 4.2 नंबर का ये श्लोक उसको पढ़िए, समझिए, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में जो बात कही गई है उसको समझिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में और कोई भी प्रभुपाद जी तो है, इसके अलावा भी और कोई संप्रदाय है क्या? एक ही संप्रदाय है? एक ही संप्रदाय ब्रह्म गौड़ी मधु संप्रदाय में, लेकिन यस आचार्य अभी और भी हैं, आचार्य भी दीक्षा देते हैं क्या? हाँ दीक्षा देते हैं, जैसे गौड़ी मठ है, ये भी एक संप्रदाय है जो प्रभुपाद जी के गुरु जी द्वारा स्थापित किया गया था। तो उनके जो आचार्य है वो प्रमाणिक है या अप्रमाणिक? प्रमाणित है, प्रमाणित है। तो प्रभु जी ऐसे और भी हमने देखा अपने आसपास में, मतलब थोड़ा बहुत तो सर भी मतलब संप्रदाय है, तो मतलब वो भी ऐसे दिखाती कि हमारी पूरी गुरु परंपरा है, वो कहते हैं हमारे गुरु ने हमको प्रमाणित किया हुआ है, तो हम कैसे विश्वास करें? आप तो इतना प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज म्यूट हो गई प्रभु जी आपकी। हाँ जी, हरे कृष्णा, आज हमारे ऊपर कृपा हुई है, हमें तो इस परंपरा को स्वीकार करना है, इस परंपरा में गुरु जी मिले हैं अपने को, इसमें कुछ आपको डाउट है, समझने में कोई दिक्कत है तो उसको अच्छे से समझ लीजिए, अब समय मत खराब कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है हम लोगों के पास, राइट। हरे कृष्णा, देखिए कैसे जीवन चला जाता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे लोग शरीर छोड़ते हैं इस कोविड में, इस बीमारियों में, वैसे भी शरीर कुछ एक्सीडेंट कुछ कुछ हमारी, ये देखिए गाय खड़ी है यहाँ पर, ये गाय दिख रही है आपको, ये सामने गाय दिख रही है? हरे कृष्णा, दिख रही है कि नहीं? यस दिख रही है। हाँ, आपको तो ऐसे रोड पे खड़ा नहीं होना पड़ रहा, मनुष्य जीवन मिला है ना, तो उसका सदुपयोग कीजिए, नहीं तो कोई ऐसा काम करेंगे तो कोई रोड पे खड़ा होना पड़ेगा, कुछ गाड़िया कोई ठोक के चली जाएगी तो कुछ हो जाएगा, इतना अच्छा जीवन मिला है, सब कुछ भगवान ने दिया, रोटी कपड़ा मकान चाहिए क्या एक व्यक्ति को जीवन में? 3 टाइम का भोजन चाहिए, 2 टाइम का भोजन चाहिए, बाकी सब तो जो भी है वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं फालतू का हार्ड वर्क है, उसके लिए हमें सब कुछ प्रैक्टिकल समझना है भगवद गीता के ज्ञान को और जीवन में उसका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो समय जा रहा है, फिर हजारों जन्म लेने पड़ेंगे, लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, इसलिए इसी जन्म में भक्ति कर लीजिए अच्छे से, भगवान का नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, 16 माला जप कीजिए, प्रभुपाद जी से दीक्षा लीजिए, जल्दी से दीक्षा लीजिए, अभी आप 2 माला कर रहे थे, 2 माला का आश्रय लीजिए, फिर 4 माला का, 6 माला का, 8 माला का, फिर 16 माला का आश्रय, 10-12 माला का आश्रय लेने के बाद आपकी दीक्षा होगी, दीक्षा लीजिए आप और पूर्ण रूप से अच्छे से पालन कीजिए। आप ये मत सोचिए आज से 5 साल बाद एक टाइम आएगा जिसमें हम चाय छोड़ देंगे, कॉफी छोड़ देंगे, लहसुन प्याज छोड़ देंगे, ऐसा अलग से कोई टाइम नहीं आने वाला है, कोविड के जैसे नहीं होने वाला कि चाय के ऊपर मास्क लगा दिया, चाय के ऊपर नो चाय, चाय पियोगे तो कोविड हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। अरे कृष्णा, जबरदस्ती चाय छोड़ दिए, बहुत अच्छी बात है, अब 16 माला का जप करना है सबसे महत्वपूर्ण है,
करते हैं प्रभु जी, 16 माला का जप करते हैं रोज। बहुत सुंदर, हरि बोल। रवि, 16 माला जप होती नहीं है, 8-9 तक सीमित रह जाती है, बढ़ाए कैसे वो? एक दो से आपने 8 तक कैसे बढ़ाए? वो प्रभु जी घर में मम्मी करते हैं ना, 64 माला तो उनके संग कर लेते हैं थोड़ा। आप भी पूरा माला जप कर सकते हैं अच्छे से, आप भी पूरा फोकस होके चैंटिंग कीजिए, आप भी 16 माला जप कीजिए। और सबसे सरल तरीका होता है 16 माला जप करने का, सुबह जल्दी उठकर करना। सुबह मंगला आरती, सुबह जल्दी उठोगे तो आपके 8 माला 12 माला हो जाएगी, तब आप आसानी से माला कर पाओगे। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, सबसे पहले प्रभुपाद जी कौन सी पढ़ना स्टार्ट करें? प्रभुपाद जी की सबसे पहले बुक कौन सी पढ़ना स्टार्ट करें? छोटी बुक से स्टार्ट कीजिए, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, हरे कृष्ण चुनौती, कृष्ण पूर्ण पूर्ण क्या नाम है, पूर्ण योग, इस तरह से इंग्लिश में बहुत सारे नाम है, साइंस ऑफ सेल्फ-रियलाइजेशन। रवि, आप ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हो किताब को, बुक्स को, कि मंदिर में आना पड़ेगा? आप खुद ही ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, भगवान के नाम भी ऑनलाइन, भगवान के पास भी ऑनलाइन जाओगे क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, वो मंदिर है ना बहुत दूर है इधर से, तो भगवान का धाम तो और भी दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, फिर कैसे जाओगे? धाम में रहते हैं प्रभु जी। हाँ तो फिर कहाँ जाना, क्यों जाना है कहीं पर? वृंदावन दूर है ना इधर से, तो थोड़ा चैंटिंग बंद कर दो, रीडिंग बंद कर दो, धाम में ही रहते हो ना, क्यों क्या करना है? नहीं प्रभु जी, फिर तो कुछ मतलब नहीं है, पहले रहते थे ऐसे, ये तो मतलब है। आप भी तो कह रहे हो कि धाम में ही रहते हैं, धाम में रहो, चैंटिंग मत करो। नहीं, बुक्स के मतलब ऑनलाइन कोई पोर्टल है क्या जिसमें हम ऑनलाइन बुक्स मंगवा सकते हैं? तो मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमेशा ऑनलाइन में बैठे रहोगे? कब गए थे लास्ट वृंदावन? वृंदावन कभी भी हम जाते रहते हैं, अभी अभी 11 गई थी ना, तो उधर से गाड़ी जाती है, ऐसे चले जाते हैं। हाँ तो क्या बुक क्यों नहीं लेके आए फिर? बुक्स प्रभु जी, बहुत सारी औरत जाती है मेरे पड़ोसन की, तो वो सब ग्यारह दी जाती है, फिर उधर से इधर के उधर क्या जाती है, कोई टाइम पे नहीं जाता। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, इवन सारी बुक्स जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है, सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सारी बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, और नेक्स्ट टाइम वृंदावन जाए तो भगवान जी का दर्शन कीजिए वृंदावन। यस, हरे कृष्ण। यस बोलिए प्रभु जी। एड्रेस हो तो मैं भिजवाता हूँ, कौन सी इंग्लिश की हो या हिंदी? नहीं नहीं, इनको तो बहुत सारी बुक चाहिए ना, कौन कौन सी भिजवाएंगे? नहीं नहीं, गीता जी, गीता नहीं, इनको छोटी बुक्स चाहिए। और कोई? हरे कृष्ण गुरु जी, एक ये था, ये यहाँ पे जो परम तप आया है, शब्द आया कि एवं परंपरा प्राप्त राजदृष्टो विदु से काल नहीं है महता योगो नष्ट है परम तप, तो परम तप माने योद्धा हो गया प्रभु जी। परम तप का मतलब जो शत्रुओं का क्या कहते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, परम तप करने वाला योद्धा। हाँ, अर्जुन को बोला जा रहा है ना, हे परम तप, हे अर्जुन, ये जो है ज्ञान जो है, परम योग विद्या जो है, ये गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त होती है, और राज ऋषियों ने इसको ऐसे ही समझा है, तो हे परंतप, ये ज्ञान जो है समय के साथ छिन्न हो गया था, और ये शत्रु का दमन करने वाला योद्धा। हाँ यस, अर्जुन के लिए कहा गया परंतप, हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा था, दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं माता जी, प्रश्न उत्तर का रिकॉर्डिंग नहीं रखना है।